दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ LPDS कन्वर्टर के बारे में। ये मार्केट में अवेलेबल है जो कि 0.5 mm से 1 mm में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली कोई भी स्ट्रिप होता है जो नॉन HD का होता है वो 1 mm का होता है, लेकिन इसके अंदर जो लगा हुआ है MI के अंदर, MI में भी आता है, ये TCL में भी आता है, जो 0.5 mm का स्ट्रिप है, इसमें नॉर्मली कोई भी नॉन HD का पैनल कोई इंस्टॉल नहीं कर पाता है और उनको लगता है कि पैनल मिलेगा नहीं, तो कस्टमर को रिटर्न देते थे। तो अभी रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं आपको, अभी ये मार्केट में इजीली इसका कन्वर्टर आता है 0.5 mm से 1 mm में कन्वर्ट करने के लिए, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये इसका ओरिजिनल है 0.5 mm का जो MI में लगा हुआ है, इसके जगह पर हम लोग 1 mm का नॉन HD का जो पैनल आता है सैमसंग का, उसको इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे। अब इसके जगह पे हमको जो कंपनी का ओरिजिनल था उसमें 0.5 का था, अभी इसके जगह पे हम लोग 1 mm का इंस्टॉल करेंगे। 1 mm स्ट्रिप जो आता है 30 पिन का, उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके जगह पे हम लोग LPDS कन्वर्टर लगाएंगे जो इस प्रकार है, जो मार्केट में मिलता है। इसको लगाने के बाद हम लोग नॉन HD का कोई भी पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। ये CSL3030 करके मॉडल है जो मार्केट में मिलते हैं। अब इसको लगा के आप अपना कोई भी नॉन HD पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं जो इस प्रकार लगाया हुआ है।